चलते हैं, यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, जहाँ आप आकर घूम सकते हैं, देख सकते हैं। मैं मुझे लगता है आप लोग घूम के जा रहे हैं यहाँ से, क्या खास लगा यहाँ पे, क्या खासियत लगी यहाँ? यहाँ पे बहुत अच्छा सौंदर्य है और हम लोग यहाँ अयोध्या से आए देखने। अच्छा, अयोध्या से आए आप? जी जी जी। नेचुरल ब्यूटी है ज्यादा यहाँ, जो ब्यूटी है ना वो नेचुरलिटी है उसमें। ये जो उन्होंने अभी हमको बताया कि इस रॉक से जो पानी गिर रहा है वो बिल्कुल इतना पवित्र है, इतना साफ है कि गंगा जल की तरह। बिल्कुल, आपने चखे देखा पानी? हाँ, पिया मैं? पानी छुआ हम लोगों ने, बहुत ठंडा। हम लोगों ने पिया है, वास्तव में बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। आप नहीं, आप भरोसा कर सकती है, आप जब एक ब्रांड पे भरोसा कर सकती है तो चट्टानों और लताओं से बह के पानी आ रहा है, भरोसा करने योग्य है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, पता नहीं कब आना होगा, नहीं आना होगा, आप पी के देख सकते हैं। मैं जाऊँगा, आप पिए उसके बाद आप बताएं कि पानी कैसा है। बोतल भी वहाँ पर आई थिंक होगा, आप या हाथ में अंजलि में लेके पी सकते हैं। जब बता दूंगी इस वाटर को सेव द वाटर करने का कोई जुगाड़ करना होगा। नहीं बिल्कुल, आप आगे चलिए, वहीं चलते हैं, वहीं आपसे बातें होती हैं और जो भी आप संदेश देना चाहती हैं आपसे और अच्छे से बात होती है। भाभी दीजिए, हमारी छाता वाले हैं उनसे भरो, ऊपर ले जाते दीजिए भाभी, दीजिए ना दीजिए भाभी। हमारी संस्कृति, हम धीरे धीरे अपनी संस्कृतियों को भूल चुके थे, लेकिन अब ऐसी जगह आके हमें लगता है कि हमें अपने को भी, अपने बच्चों को भी, ग्रैंडसन को भी इन संस्कृतियों से जरूर परिचित कराना चाहिए, जिससे हमारा अपना देश, हमारे देश की इंडिया की संस्कृति एकदम नीचे चली गई थी, जो हमारी सनातन धर्म की संस्कृति थी, तो उसको हमें फिर ऊपर करना है। तो ऐसी जगहों की जब हम यात्रा करेंगे और जाके अपने बच्चों, अपने ग्रैंडसन्स को बताएंगे तो उनको भी होगा इच्छा कि हाँ हम भी चलें, देखिए क्या है, मेरी दादी क्या देख के आई है। तो कोई बात नहीं, इतना पूरा भर के ले आई है आप? वो छाता उसका था भैया, मेरे तो भींग गई। देखिए मैं चेक क्या बताती हूँ, आप पानी चखिए, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, इसमें तो एकदम डिफरेंट स्वाद है। चखिए देखो, आरो इतने पानी जो बर्बाद कर रहे हैं, तो सेव करो, सेव करो इस वाटर को। एक्वा गार्ड सब पी के उसके कसैले पंच के ही हम लोग को आदत पड़ गई है। ये मीठापन ना आरो में है ना एक्वा, ना ठंडा है ना गर्म, ही नहीं है वो ज्यादा। बिल्कुल पीने योग्य। मैम नाम बताएंगे अपना? आप नाम नहीं पूछेंगे? अयोध्या की किस जगह से हैं? अयोध्या शहर से हम लोग, शहर से प्रॉपर अयोध्या शहर से हम लोग। 10 लोग एक ग्रुप है, हम 10 लोग हैं, 10 हमारा एक ग्रुप है, हम लोग का ट्रैवलर ग्रुप। तो हमारा बुंदेलखंड कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, अभी अभी तो अच्छा लगा, लेकिन यहाँ की सड़कों से हम लोग बहुत दुखे हैं। हमारे यूपी की सड़कें बहुत अच्छी हैं, जैसे हम लोग खजुराहो में इंटर किए बहुत शरीर को। ये भी हमारा यूपी ही है मैम, बुंदेलखंड भी यूपी का ही एक हिस्सा, हालांकि एमपी एमपी का है, लेकिन ये बिल्कुल ये एमपी में आता है, बुंदेलखंड आधा हिस्सा यूपी में है। तो आप एमपी वाले हिस्से से नाखों से या यूपी वाले हिस्से से या दोनों से? यहाँ मैंने हम घुसते ही खजुराहो में घुसते हैं, जो जिसका भी हो, किसी का भी हो, बिल्कुल रोड नहीं अच्छे हैं। और दूसरी चीज योगी जी ने ना हमारे शहर को बहुत अच्छा बना रखा है। हम लोग की आदत अच्छे शहरों में हो गई है। हिस्टोरिकल प्लेस है ना, इसका डेवलपमेंट और अच्छा होना चाहिए। अभी आप थोड़े दिन रुक जाइए, फिर हमारे राम भगवान के आइए। बिल्कुल आएंगे हम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आप सभी का हमसे बात करने के लिए। तो चलिए, थैंक यू मैम, बाय बाय। तो बहुत सारे पर्यटक हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, घूम रहे हैं और बुंदेलखंड की तारीफ कर रहे हैं, और साथ में कुछ नसीहतें भी दे रहे हैं कि इस पानी का जो है बचाव होना चाहिए, इस पानी को बचाना चाहिए।